अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी। एक साथ कैसे जगमग हो उठेंगे 17 लाख दिए। रामनगरी में बनेगा अनूठा रिकॉर्ड। साक्षी बनेंगे खुद प्रधानमंत्री मोदी। नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी इंडिया न्यूज। भगवान राम की नगरी अयोध्या एक नए विश्व कीर्तिमान की साक्षी बनने को तैयार है। यहाँ दिवाली के अवसर पर सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी पर महादीपोत्सव की तैयारियाँ की जा रही है। यहाँ एक साथ 17 लाख दिए जगमगाओगे। ये भव्य नजारा कैसा होगा इसकी कल्पना की जा रही है। ये नजारा अपने आप में अनुपम, अनूठा और अतुलनीय होगा। ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ जो अब की बार अयोध्या नगरी में होने जा रहा है। यहाँ यह रामलला का मंदिर निर्माण कार्य जारी है, जिसके पूरा होने का सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। तो आइए नजर डालते हैं इसी से जुड़ी विशेष चीजों में जो राम नगरी में एक नया रिकॉर्ड कायम करने जा रही है। श्री राम की अयोध्या उनके स्वागत के लिए सजाई और सवारी जा रही है। छोटी दिवाली को अयोध्या में उत्सव मनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी 23 अक्टूबर को अयोध्या आ रहे हैं। वह दीपोत्सव के मेगा इवेंट में शामिल होंगे। इसमें 15 लाख दीपक जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। इस रिकॉर्ड के लिए 17 लाख दीपक जलाए जाएंगे। वहीं भगवान राम का आगमन 1 लाख दीपों से जगमगा होगा। पीएम रामलला के आगमन में दीपक जलाकर राम मंदिर के निर्माण कार्य को करीब से देखेंगे। पीएम अयोध्या में 3 घंटे तक रहेंगे और रामलला के दर्शन भी करेंगे। सीएम योगी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी आमंत्रित किया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री सहित प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम व कई मंत्री इस समारोह का हिस्सा बनेंगे। कुछ बॉलीवुड कलाकारों के भी दीपोत्सव में आने की संभावना है। इस बार दीपोत्सव में 17 लाख दीपक जलाए जाने हैं, लिहाजा राम की पैड़ी पर 18 लाख दीपक पहुँच चुके हैं। इसके अलावा रुई और बत्ती की और मोमबत्ती के साथ 3000 टीन के तेल भी राम की पैड़ी पर पहुंच चुका है। आज से घाटों पर दीप सजाने की दौर शुरू होगा। 23 अक्टूबर को 17 लाख दीप एक साथ जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 2017 से लेकर अब तक हर बार दीपोत्सव में एक नया रिकॉर्ड बनता है। इस बार 3 दर्जन से ज्यादा घाट पर दीप जलाए जाएंगे। राम की पैड़ी पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दीपोत्सव का भव्य आयोजन देखेंगे। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लाइट एंड साउंड लेजर लाइट शो और कैरियोके शो भी होगा। राम की पैड़ी पर 25 फीट लंबा पुष्पक विमान भी तैयार किया जाएगा। इसमें गरुड़ देवता को उड़ते हुए दिखाया जाएगा। विमान के अंदर राम दरबार नजर आएगा। आपको कैसी लगी ये खबर कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए यूपी।